स्टार प्लस के सीरियल पंड्या स्टोर में ढोल नगाड़े के साथ ऋषिता पंड्या परिवार में ले आई है गुड न्यूज। देखे तो जरा कैसे ढोल बजाकर वो सभी परिवार वालों को बता रही है कि वो माँ बनने वाली है, और ऐसे में सभी घर वाले भी बेहद खुश हैं। तो वही चाचा नहीं, ये बड़े पापा बने बनने वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है देखो, क्योंकि जो गॉम्बी नहीं कर पाया वो मैंने करके दिखाया। नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली घर में सब इसलिए खुश हैं क्योंकि बच्चा आने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो बच्चे की होती है। अब इन लोगों ने, वैसे भी हम छोटे छोटे थे, हमें पाल के बड़ा किया घर के अंदर, शिवा मैं गिरीश को, तो डेफिनेटली इन लोगों को एक्सपीरियंस है, बट हम तीन अनाड़ियों को एक्सपीरियंस नहीं है, बट हम कर लेंगे, हमें लगता है मैनेज कर लेंगे। बच्चे का डायपर कितने का आता है? 19 रुपए का एक डायपर आता है, तो इसलिए बड़े पापा साथ में हमारे। 19 रुपए का डायपर। और बच्चों के लिए भाई, मैं तो अभी शो में पापा ही नहीं बना, तो मेरे पास क्या टिप्स है, बट अपने बच्चों को बहुत प्यार देना, अच्छे से पढ़ाना और होनहार बनाना। और पंड्या स्टोर मतलब जैसे ऐसे मत करना, MBA करने के बाद तुम घर में पड़े रहते हो, वैसे तो बिल्कुल मत करना। ये देखो, अब देखो भाई बड़े पापा क्या बोल रहे हो बच्चे के, कि आप स्टोर मत संभालना, आप जाके बाहर काम करना। यहाँ पे देव सोच रहा है कि वो बेचारा हेल्प कर रहा है अपने भाई की, और भाई बोल रहा तू निकल इधर से, तो देखो कितना गलत हो रहा। और ये हमारे छोटे पापा, ओए छोटे पापा इधर आ, शिवा आ आ, हमारे छोटे पापा भी हैं। ये हमारे छोटे पापा हैं, बड़े पापा। हम आंगन में डायपरे बदलेंगे, और देव जो है अपने बच्चे को आंगन में दूध नहीं पिलाएगा, खिलाएगा। फिर हम कुएं से पानी निकाल के उसकी पॉटियां साफ करेंगे। सही बात है, कुछ अलग देखने मिलेगा। हाँ मुझे लग रहा है एक दूसरे की धोते हुए। तो हम इंतजार नहीं कर सकते, फाइनली देव ये खुशियाँ इस घर में लेके आ रहा है। जल्दी छोटे पापा भी आपको खुशियाँ देंगे। मुझे उम्मीद है बड़े पापा तो फूस निकले। भाई मैं नहीं खेल रहा। मैंने धप्पा कर दिया भाई, बाकी तुम देख लो। इस वक्त मेरा यहाँ कमरे में आना तुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, और फिर भी आप आएंगी। हाँ क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब ही यही है ऋषिता, कि सब साथ मिलकर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाले, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने। तो वहीं दूसरी तरफ चल रहा है देवरानी और जेठानी के बीच इमोशनल अत्याचार। इरिटेटिंग लगती हूँ ना मैं, हरा भाभी जब देखो तब बस लेक्चर ही देती रहती है, पर क्या करूं, जाकर भी खुद को तुम्हारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस और पर्सनल मैटर से दूर नहीं रख पाती हूँ, घर की बड़ी हूँ मैं। वैसे धरा तो चाहती है कि सारा परिवार एक साथ रहे और सभी लोग खुश रहें, इसीलिए हर वक्त उसे अपने परिवार वालों की चिंता सताती रहती है। ऐसा कभी नहीं होगा, तू अहमदाबाद जाना चाहती है, तो खुशी खुशी जा रिश्ता, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना ही नहीं, वो तो सोते हुए भी रावी और शिवा के सपने देखती है। क्या लगता है कि अगर मेरी शिवा से आप लोगों ने शादी नहीं करवाई तो मैं खुद को मार लूंगी, मार लूंगी मैं खुद को। मैं तुम सबको मारूंगी, एक एक करके तुम सबकी जान ले लूंगी। शिवा कर ले शादी।
लेकिन जब उसका होता है हकीकत से सामना तो उसे पता चलता है कि प्रॉब्लम्स अब भी हैं जिनका सलूशन ढूंढना है।